थी दाई का घर, सीधे जाके बाएं मुड़ जाना, वही एक पनवाड़ी की दुकान है, उसी के बगल वाला घर है मीठी दाई का। पर सुनो, तुम लोग कौन हो? मैं गहना, कल्याणी माजीसा की बड़ी बहू। माजीसा की बड़ी बहू? इसका मतलब है वसंत बन्ना की घरवाली? तू यहां क्यों आई? अगर उन्हें पता चल गया कि तू मुझसे मिलने यहां आई थी तो तेरा जीना दूभर कर देंगे माजीसा। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, जमुना जीजी की मौत कैसे हुई? उन्हें क्या हुआ था? तू ये जानकर क्या करेगी? तुझे तो अब उसी घर में रहना है। बड़े दुख की बात है, माची साहब को अब भी अक्कल नहीं आई। इतनी कम उम्र छोरी से अपने विधुर बेटे का ब्याह कर दिया। हे माता रानी, माजीसा को सद्बुद्धि दे। खुश रहो बेटा, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जमुना जीजी को क्या हुआ था? उनकी मौत कैसे हुई? ए छोरी, जरा बाहर जाकर देख तो, गैया खूंटे से बंधी है या तोड़कर भाग गई? तुझे ये सच में कभी नहीं बताती, लेकिन तू जमुना की जगह पर आई है। बसंत से ब्याह हुआ तेरा, इसीलिए सच जानने का तेरा पूरा अधिकार है। जमुना मां बनने वाली थी, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। एक बच्चे को जन्म देने का दर्द सहने की शक्ति नहीं है उनके शरीर में। 20 साल में 5 बार मिसकैरेज हो चुका है उनका, तो एक और बार बच्चा करने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? पर जरूरत क्यों नहीं है? तुम्हारा छोरा 20 साल से बच्चे की राह देख रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का इलाज कराने आई हूँ, ये बातें सुनने नहीं। आप इतना बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। यही तो समस्या आप लोगों के साथ, कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। तो फिर वही, अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अम्मा जी, आपकी बहू की हालत ठीक नहीं है।
बच्चा बहुत नीचे आ गया है इसलिए दर्द भी। अरे तो दर्द तो होना ही है जब बच्चा पैदा होता है। अरे अम्मा जी ये लेबर पेन नहीं है, मतलब वो बच्चा पैदा होने वाला दर्द नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन अब होगा क्या? होना क्या, जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसमें माँ की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आप लोगों ने डिलीवरी तक का इंतजार किया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की धमकियों को मैं नहीं सुनने वाली। कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जब समय आएगा बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा। माँ जी साहब से जबरदस्ती घर ले आई, वो अंदर से खोखली हो चुकी थी, दर्द लेने की ताकत नहीं थी उसमें। जी ठीक तो हो जाएगी। बेबस झटपट आ रही थी, उससे कह रही थी मेरे बच्चे को बचाना मिटी था, इस बार मैं इसे नहीं खो सकती, ये नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी, मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, बस ये जान लो दो दो जान की जिम्मेदारी है। माँ जी साहब पूरे घर वालों के सामने मैंने सच सच बता दिया। मैं आप लोगों को यही बताने आई हूं कि माँ बच्चे में से एक ही को बचाया जा, 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 एक ही को बचाया जा। मारे को बच्चा चाहिए, को बच्चा चाहिए, को बच्चा चाहिए, को बच्चा चाहिए, अपना पोता। ऐसी औरत को बचाने से क्या फायदा जो वंश चलाने के लिए एक बच्चा न जड़ सके। माजी सा के हाथ लगे दो निर्जय शरीर। माफ करना हुकुम, माँ को नहीं बचा सके। बेचारी जोड़ा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लड़का ही हुआ है ना, लड़का है नहीं, था मैंने कहा पूरे हुए थे और जन्मा बच्चा था, न बच्चे को बचा सके न मां को। मां बेटे दोनों ने ही जान ले ली उस अबला की, जो जमुना उन्हें नहीं दे सके अब तुझसे चाहेंगे कि ब्याह कर चुलाए तुझे।
इतनी निर्दयी माँ जी सा, उसे जरा सी भी दया नहीं आई इतनी छोटी सी लड़की पर। माँ जी सा को समझाना किसी के बस की बात नहीं है, उन्हें तो बस सिर्फ अपना वंश चलाने वाले वारिस से मतलब है, फिर चाहे वो स्वार्थ पूरा करने में कितनों की जानों की बलि चढ़ जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तू अपना ध्यान रखना, जितनी बड़ी हवेली है ना वो, मालकिन का मन और सोच उतनी छोटी है, लेकिन तू हिम्मत रखना। माता रानी, इस मासूम बच्ची की रक्षा करना। समझ गई, बहुत दर्द हो रहा है ना, ले थोड़ा सा तो खा ले। हाँ निशान बना दिए। पता है नीताई जी, जब मैं बाहर आई तो एक छोरा इसे मार रहा था, उसके हाथ में इतना मोटा डंडा था, मैंने तो उसे डांटा, क्यों रे क्यों मार रहा है इसे, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, इसीलिए ना मैं भी तुझे मारूं, तो वो डर के भाग गया। देखो ना नीताई जी, कितनी चोट लगी है इसे। बेचारी करती भी तो क्या, खूंटे से जो बंधी है। तो क्या हुआ, मैं अगर इसकी जगह होती तो खूंटा तोड़कर उस शैतान छोरी की चटनी बना देती, फिर वो कभी ऐसे भूल ना करता। नहीं ताई जी, लोग क्यों मारते हैं गाय को, गाय तो हमारी माता है, हमें दूध देती है, दूध पीने से हमारे अंदर ताकत आती है, दूध से दही बनती है और घी भी बनता है, गाय का गोबर भी तो कितने काम का होता है, कंडे बनते हैं उसके, तभी तो गांव के घरों में चूल्हा जलता है। गौ माता हमें कितना कुछ देती है, फिर भी डंडे खाती है, सीधी साधी है तो क्या हर कोई मारेगा उन्हें। मेरी टीचर जी कहती थी, अन्याय करना पाप होता है तो अन्याय सहना भी पाप होता है, इसके पास तो इतने बड़े बड़े सींग भी है, एक मारेगी तो मारने वाला डंडा छोड़कर भाग जाएगा। तो सच कहती आनंदी, जो चुप रहकर जुल्म सहता है लोग उसे और दबाते हैं। अगर गाय को डंडे से बचना है तो उसे सींग दिखाने ही पड़ेंगे।
आ गई? अरे कब से तेरी राह देख रहा हूं। निपट गए सारे काम? नाराज है क्या तू? हाँ देख क्या लाया हूं मैं तेरे लिए। अरे देख तो सही, ले पकड़। क्यों, अच्छा लगा ना बटुआ? चल अब खुश हो जा। सच्ची सच्ची बोलो, ये लुगाइयों के नखरों से वैसे तो बहुत चिढ़ होती है मुझे, लेकिन तुझ पे ये नखरे बड़े अच्छे लगते हैं। तू जब गुस्से में मुंह फेरती है ना, ओह बड़ी सुंदर लगती है तू। ऐसा लगता है तुझे पकड़ के बस क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? मुझे यहां नींद नहीं आती, मैं बाहर जा रही हूं। के थोड़ा सा अच्छे से बात क्या कर ली? तू तो नखरे दिखाने लगी। हाँ चल तमाशा छोड़, अपने कमरे में चल। सुनाई नहीं देता क्या? मां बाप ने इतना तो सिखाया होगा ना कि घर वाले की बात माननी चाहिए। पति हूं तेरा, तुझसे कह रहा हूं कमरे में चल तो चल। मैं नहीं जाऊंगी। बाल विवाह या बेमेल विवाह के प्रति नारी की सोच में जिस पल बदलाव आएगा उसी पल इस क्रांति की शुरुआत होगी।